आप डॉक्टर पीएमएस एसोसिएशन के डॉक्टर राम किशोर जी हैं और जिले के सीएमओ को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, विजिलेंस टीम द्वारा गिरफ्तारी के मामले में अपना क्या पक्ष रखते हैं, आइए इनसे सुनते हैं। डॉक्टर राम किशोर जी, क्या मामला था? जैसा कि आप बता रहे हैं, घूस का कोई मामला था, ये सुनने में आया है। अभी हमारी तरफ से तो कंफर्म नहीं है, अब ये टीम जांच कर रही है, अब क्या कंफर्म करती वो बता पाएगी। आप लोग डॉक्टरों के द्वारा कुछ और आंदोलन की भूमिका में? हमारे आंदोलन भाई चिकित्सक रहे, मुख्य चिकित्सा अधिकारी रहे हैं, और यदि इसमें गलत तरीके से क्या किया गया हम उनके साथ हैं, और अगर गलत तरीके से नहीं किया गया है तो फिर जो कानूनी कार्रवाई होगी नहीं हम जहां हम कर पाएंगे करेंगे। तो प्रशासन की कार्रवाई को आप सही मानेंगे ना? प्रशासन की जो अगर सही तरीके से कार्रवाई करेगी तो मानना पड़ेगा। अब वो तो सबके सामने कर रही है प्रशासन कार्रवाई, जो कार्रवाई करेगी आप उसको मानेंगे ना? चीजें अभी पता नहीं लग पाई है, पता लगेंगे अपनी हम बैठक करेंगे, बात करेंगे, जो भी निर्णय सदस्य द्वारा लिया जाएगा उसको हिसाब से आगे किया जाएगा। जिलाधिकारी महोदय से अभी मेरी तत्काल में बात हुई है 10 मिनट पहले, उन्होंने कहा कि इस मैटर को हमने गंभीरता में लिया है और हमने खुद ट्राई किया है इस मामले को और वो बच नहीं पाएंगे, वो घटना सही है। इस मैटर पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें जब तक जांच उपरांत कोई निष्कर्ष निकलता तब तक कुछ नहीं कर सकते। चलिए, मतलब जिलाधिकारी की बात को आप काट रहे हैं यहाँ पे? पता नहीं यहाँ पे क्या बात हुई जिलाधिकारी, अभी रिकॉर्डिंग सुना देते हैं आप? नहीं, सुनने सुनाने की बात नहीं है, यही जो मैं बता रहा हूँ इस बात से ये वाकिफ नहीं है। जिलाधिकारी महोदय ने क्या कहा ये वाकिफ नहीं, पहले उनसे मुलाकात करने के बाद अब अपनी कार्रवाई तय करेंगे आप। ठीक है, धन्यवाद।